ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो बार बवाल की भेंट चढ़ने के बाद आज निकला कंसवध मेला जुलूस। डीजीपी के निर्देश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच निकला जुलूस। 10 यूनिट पीएसी, 3 यूनिट आरएएफ, 3 यूनिट आरआरएफ, 3 जिलों की फोर्स के साथ करीब 300 महिला पुलिसकर्मी भी किए गए तैनात। पूरा कस्बा बना हुआ है छावनी। गौरतलब है कि कंसवध मेला जुलूस में मार्ग परिवर्तन को लेकर पुलिस पर फायरिंग और पथराव हुआ था, जिसमें एएसपी एसएसपी घायल हुए थे। डीएम की गाड़ी पर भी पथराव हुआ था, जिसके बाद डीएम और एसएसपी पर मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की थी। आज सदर विधायक भाजपा के नेतृत्व में जुलूस निकला है। नहीं, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, यहाँ के निवासियों का धन्यवाद दूंगा, जो आपसी सद्भाव प्रेम की तस्वीर यहाँ देखने को मिली है। यह यहाँ का इतिहास भी रहा है और भविष्य भी रहेगा। सभी लोगों ने साथ बैठ करके पीस कमेटी की मीटिंग में वार्ता की और सभी लोगों ने मिलकर इस रूप को डिसाइड भी किया। आयोजक गण भी थे, सभी संप्रदाय के लोग थे, एक साथ बैठ करके वहाँ पर निर्णय हुआ और फिर उसके बाद इस निर्णय को ही फॉलो किया गया और साथ ही साथ हर सेक्टर जोन में बांटा गया इस पूरे के पूरे जुलूस के मार्ग को। और आज सभी लोगों के कोऑपरेशन से अच्छे से इस चीज़ को संपन्न किया जा रहा है। पहली बात, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि आग लगी थी, नहीं, कुछ अशांति थी, कुछ विवाद थे, लेकिन मोदा की जनता ने उसको नकारा और उन्होंने शांति स्थापित के लिए प्रयास किया। हम सभी ने प्रयास किया, मेरे डीएम साहब, एसपी साहब भी आए, हमारे साथ डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब भी मौजूद थे। आप सभी के सहयोग से प्रयास किया गया, सभी वर्गों के, सभी राजनीतिक चित्रधारा के, सभी प्रकार लोगों का ये प्रयास किया गया कि नहीं, मोदा हमें हर हालत में शांति रहनी चाहिए। तो उसका नतीजा है कि आज आप भाईचारा और जो सौहार्द की भावना देख रहे हैं, वो उसका नतीजा है कि जो उस बीच निकल रहा है। यह आप सबको और मोदावासियों को विशेष विशेष धन्यवाद। हमीरपुर राठ से टाइम्स 18 न्यूज के लिए योगेश साहू की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज।